भीषण गर्मी और अब राहत की बूंदे। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर में अगले 4-5 दिनों तक मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेगी। प्रदेश में आज भी कई जगह झमाझम बारिश हुई। अब जाकर पसीने छुड़ाने वाली भीषण गर्मी से छुटकारा मिला। इन राहत की बूंदों का सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें कि गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और चूरू को छोड़कर प्रदेश के सभी 29 जिलों में प्री मानसून की बारिश हो चुकी है। बूंदी जिले में भी सुबह बारिश हुई। इसके अलावा अलवर, दौसा, स्वाईमाधोपुर और करौली में घने बादल छाने के बाद बारिश हुई। इससे पहले गुरुवार को भी अलवर, करौली, दौसा, झालावाड़, बूंदी समेत दक्षिण पूर्वी बेल्ट में अच्छी बारिश हुई थी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और चूरू में अब भी लोगों को प्री मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग ने जो अगले 4 दिन की भविष्यवाणी की है वह इन जिलों के लोगों को सुकून देने वाली है, क्योंकि 18 से 21 जून तक इन एरिया में बारिश हो सकती है। जहां एक तरफ मेघ बरसने से सभी इतने खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ जब राजस्थान में तेज बारिश होगी तब लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। अब सवाल है कि परेशानी कैसी? इसकी वजह बंद नाले हैं। तेज बारिश की वजह से लोगों को पानी भरने की समस्या से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज ने शहर में नालों की सफाई का काम ही अब तक पूरा नहीं करवाया। कलेक्टर राजन विशाल ने भी 2 दिन पहले जब शहर के नालों की वीडियोग्राफी करवाकर मौके की रिपोर्ट तैयार करवाई तो वे खुद देखकर दंग रह गए। उन्होंने दोनों ही नगर निगम कमिश्नर को 30 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार करवाकर भिजवाई, जिसमें नालों की मौका स्थिति की तस्वीरें शामिल है। उन्होंने दोनों ही निगम अधिकारियों को जल्द से जल्द शहर के नालों की सफाई का काम पूरा करवाने का निर्देश दिया। दरअसल हर साल मानसून पूर्व शहर के नालों की सफाई का काम करवाया जाता है, ताकि बरसात में सड़कों पर बहने वाला पानी इन नाले नालियों के जरिए शहर के बाहर निकाला जा सके। इस बार दोनों ही नगर निगम इन नालों की सफाई का काम समय पर पूरा नहीं करा सके। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक राज्य में प्री मानसून की बारिश होने की संभावना जताई है, जिसमें जयपुर जिला भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।